गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के फौरन बाद गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मुस्ताफी हो जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अबरार हुसैन इस स्टोरी से। जी अबरार, क्या तफ़सीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकून ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के फौरन बाद गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकबूल मुस्ताफी हो जाएंगे। और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 30 सितंबर 2018 को उन्होंने हलफ लिया था, जबकि राजा जलाल हुसैन मकबूल को बतौर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान तैनात की जो मुद्दत है वो 3 साल 6 माह का अरसा हुआ है, जबकि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नजदीकी और वफादार साथियों में शुमार किया जाता है, जबकि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकबूल ने गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की मजबूती और हुकूमत साथी ने मरकजी किरदार अदा किया था। तमाम वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपनेमाद है उसकी कामयाबी के बाद, और यहाँ पर जो इस किस्म की बातें चली उसके बाद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के फौरन बाद ही उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है, और ये हमारे ज़राए का कहना है। जी